बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8, और इस एक्सरसाइज की एग्जांपल शामिल है इसमें। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है 7x+4/3x+2 × x+1² इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के लिए लेट 7x+4/3x+2 × x+1² इक्वल्स टू a/3x+2+b/x+1+c/x+1² ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद बोथ साइड को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3x+2 × x+1² जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर 7x+4 आएगा a×x+1+b×x+1×3x+2, और c को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो x+1² कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा c×3x+2। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद ये काम करना है कि ये x+1² है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा, और उसके बाद x+1 और 3x+2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब a×x+1² है, आप जानते हो कि a+b² का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली x+1² आ जाएगा x² + 2x + 1, और इसके बाद ये जो b×x+1 और 3x+2 इसको मल्टीप्लाई करें अगर, तो इधर आ जाएगा x×3x² + x×2 आ गया +2x + 1×3x³ + 1×2 आ जाएगा 2। तो ये इसकी प्रोडक्ट होगी, और लास्ट स्टेप में c×3x+2। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ एक काम चेंज करेंगे कि ये जो +2x + 3x है ये आ जाएगा +5x, और सेम बाकी स्टेप लिख दिया, यहाँ b×3 आ गया 3x² + 5x + 2 + c×3x+2, और इसके बाद a, b और c को ये ब्रैकेट से सार मल्टीप्लाई कर दें, सो ax² + 2ax + a = 3bx² + 5bx + 2b, और प्लस जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को तो प्लस आएगा 3cx + 2c, और अब x² वाली टर्म्स को सेपरेट करते हैं x वाली को और फिर कॉन्स्टेंट्स को, x² वाली टर्म्स है ax² + 3bx², यहां से आप x² अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया a+3b, और इसी तरह प्लस देखिए x वाली टर्म्स है 2ax + 5bx + 3c, यहां से अगर x कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2a+5b+3c × x, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं a+2b+2c। ये जो अब क्वेश्चन आई है इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसके बाद देखिए कि अब ये इक्वेशन नंबर 2 में दो पॉलीनोमियल है सिंगल डिग्री वाली, जिसमें एक x+1 है और दूसरी है 3x+2। पहले हम x+1 को इक्वल 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1, वो x की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट की जाएगी। सो पुटिंग x+1 = 0 और x = -1 इन क्वेश्चन 2, फिर x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो 7×-1+4 आ जाएगा a×0² + b×0 आ गया 3×-1+2 और +c×3×-1+2,
सो माइनस सेवन प्लस फोर फिर इक्वल टू आ जाएगा, ये टर्म जीरो होगी क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये टर्म भी जीरो होगी, प्लस सी इंटू में आ जाएगा माइनस थ्री प्लस टू। तो अब माइनस सेवन प्लस फोर होगा माइनस थ्री, इक्वल टू में आ जाएगा माइनस सी। अब बोथ साइड से माइनस साइन कैंसिल कर लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू थ्री के, सी की वैल्यू मालूम होगी। इसके बाद पॉलीनोमियल है थ्री एक्स प्लस टू, इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे और इसमें से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो इसी क्वेश्चन नंबर टू में पुट करेंगे। सो पुटिंग थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस टू ओवर थ्री इन क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू में थ्री एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है और एक्स जब आएगा तो उसकी वैल्यू माइनस टू ओवर थ्री पुट की जाएगी। फिर लेफ्ट साइड में था सेवन एक्स प्लस फोर, अब ये आ जाएगा सेवन इंटू माइनस टू ओवर थ्री प्लस फोर इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर है, तो अब ये बन जाएगा ए इंटू माइनस टू ओवर थ्री प्लस वन होल स्केयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, यानी माइनस टू ओवर थ्री प्लस वन इंटू थ्री एक्स प्लस टू है उसकी वैल्यू जीरो और प्लस सी के साथ मल्टीपल है थ्री एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। फिर ये माइनस सेवन इंटू माइनस टू ओवर थ्री आएगा, माइनस फोर्टीन ओवर थ्री प्लस फोर इक्वल टू माइनस टू ओवर थ्री प्लस वन करना है तो इसका एलसीएम भी आ जाएगा, एलसीएम इसका थ्री है तो न्यूमिरेटर में आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री होल स्केयर प्लस जीरो क्योंकि ये जीरो मल्टीपल है। फिर लेफ्ट साइड में थ्री एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा माइनस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व ओवर थ्री इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा वन ओवर है थ्री, तो ए इंटू वन ओवर थ्री स्केयर। अब आपको मालूम है कि माइनस टू प्लस ट्वेल्व हो जाएगा माइनस टू, सो माइनस टू ओवर थ्री इक्वल टू आ गया ए ओवर नाइन, क्योंकि ये जो वन ओवर थ्री का स्केयर है ये स्केयर होना था वन ओवर नाइन, फिर ए को जब वन ओवर नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए ओवर नाइन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री के साथ, थ्री ए आ गया इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई होगा नाइन से, तो थ्री ए इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई नाइन, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये थ्री जो मल्टीपल है राइट साइड में ओवर में आ जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस सिक्स, ए की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसके बाद एक वैल्यू रह गई है जो भी फाइंड करनी है, तो वो इक्वेशन नंबर जो थ्री है इसमें अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और कोएफिशिएंट के लिए देखें लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो लेफ्ट साइड में फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो होगा और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए प्लस थ्री बी, इनको हमने कंपेयर करना है तो फिर आ जाएगा जीरो इक्वल टू ए प्लस थ्री बी। तो नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन थ्री, तो जीरो इक्वल टू ए प्लस थ्री बी, इसमें एक ही वैल्यू पुट करें जीरो फिर इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री बी। अब ये थ्री बी को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस सिक्स, बी की वैल्यू फाइंड करनी है बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्स ओवर माइनस थ्री, सो बी इक्वल टू आ गया टू के, बी की वैल्यू फाइंड होगी। और अब ए और बी की वैल्यू मालूम होगी है ये वैल्यू, और सी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है पहले, सी की वैल्यू थ्री है ए की वैल्यू माइनस सिक्स और अभी बी की वैल्यू फाइंड की है टू के इक्वल आ गई है, तो हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर वन ये थी सेवन एक्स प्लस फोर ओवर थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू है ए ओवर थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इसमें इक्वेशन वन में ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन, तो फिर सेवन एक्स प्लस फोर ओवर थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्स ओवर थ्री एक्स प्लस टू। प्लस बी की वैल्यू टू थी टू ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी की वैल्यू है थ्री तो थ्री ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर,
और ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर है अब 6, ये है 1/(x-1)2 × (x+1)। तो अब आपको मालूम है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में जो सपोज करेंगे, हम करेंगे लेट 1/(x-1)2 × (x+1)=a/(x-1)+b/(x-1)2 + c/(x+1)। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है तमाम क्वेश्चन में जो कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय (x-1)2 × (x+1)। जब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में (x-1)2 और (x+1) कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू a इंटू आ जाएगा (x-1)((x+1)) + b (x+1)+c (x-1)2। ये समझ लें ये कैसे आया था, देखिए a के ओवर में है (x-1)। जब हम इसको (x-1)2 × (x+1) से मल्टीप्लाई करेंगे, इस (x-1) की एक पावर इस (x-1) की पावर से कैंसिल हो जाएगी, (x-1) आ गया और साथ इसके मल्टीपल आ जाएगा (x+1) और प्लस b के ओवर में है (x-1)2। जब इसको (x-1)2 × (x+1) से मल्टीप्लाई करोगे तो (x-1)2 कैंसिल हो जाएगा, तो b फिर इंटू आ जाएगा (x+1)। सिमिलरली प्लस c को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो (x+1) कैंसिल हो गया, तो c इंटू आ गया (x-1)2। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। अब ये a के साथ दो ब्रैकेट्स मल्टीपल है, इनको मल्टीप्लाई करोगे और इसी तरह लास्ट में (x-1)2 है ये स्क्वायर खोल दोगे, तो 1 = आ जाएगा a इंटू, देखिये a - b (a+b) = होता है a² - b² इसी तरह (x-1)(x+1) आ जाएगा (x²-1)² यानी फिर आ जाएगा (x²-1) प्लस (b)(x+1) और प्लस (x-1)2 का फार्मूला होगा (a-b)2 का जो फार्मूला होता है (a²-2ab+b²) प्लस c इंटू आ जाएगा (x²-2x+1)। इसके बाद आप ब्रैकेट्स के साथ a और b और c जो मल्टीपल हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर 1 = ax²-a + bx+b + c²-2cx+c और अब कॉमन ले लें, x² वाली टर्म्स है ax² और प्लस है cx², यहां से x² कॉमन लो तो ब्रैकेट में आ गया a + c, और इसके बाद x वाली टर्म्स है प्लस bx - 2cx, यहां से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया b - 2c, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स है -a + c, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कि (x-1) है एक पॉलीनोमियल और दूसरी पॉलीनोमियल है (x+1)। पहले हम (x-1) को इक्वल टू 0 करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 2 में पुट की जाएगी, उसके बाद फिर (x+1) को इक्वल 0 करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी (x-1) आ जाएगा वो पुट करेंगे, दूसरा दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी a b c में से एक रह जाएगा उसकी वैल्यू ये कांस्टेंट ये जो कोफिशिएंट कंपेयर करने से वहां से मालूम हो जाएगी, इसलिए हम करेंगे पुटिंग (x-1)=0 और (x=1) इन क्वेश्चन नंबर 2। फिर 1 = ये आ जाएगा (x-1) की वैल्यू 0 है तो 1 = a(0)(x+1), एक्स की वैल्यू 1 है, 1+1 + b इंटू आ गया 1+1 + c (x-1)2 था उसकी वैल्यू है 0 तो c(0)2। सो 1 = 0 + b इंटू आ जाएगा 2 + 0 हो गया,
तो वन इक्वल टू टू बी, तो टू बी इक्वल टू वन, बी की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर टू के इक्वल। ये आ गई बी की वैल्यू। उसके बाद अब दूसरी पॉलिनोमियल है एक्स प्लस वन, इसको जीरो करेंगे, पुटिंग एक्स प्लस वन इक्वल जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस वन इन क्वेश्चन नंबर टू, देन वन इक्वल टू ए इन टू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन इन टू एक्स प्लस वन था उसकी वैल्यू जीरो है, प्लस बी इन टू एक्स प्लस वन है उसकी वैल्यू जीरो, प्लस फिर आएगा सी इन टू माइनस वन होल स्केयर, तो वन इक्वल टू आ गया जीरो प्लस जीरो प्लस सी इन टू माइनस टू होल माइनस टू स्केयर, वन फिर इक्वल टू आ जाएगा, देखिये सी इन टू माइनस टू का स्केयर है और आपको मालूम है कि माइनस टू का स्केयर होता है प्लस फोर, उस फोर को जब सी से मल्टीप्लाई किया तो फोर सी आ गया, फिर वन इक्वल टू फोर सी और फोर सी इक्वल टू वन, तो सी की वैल्यू आ गई इक्वल टू वन ओवर फोर, सी की वैल्यू मालूम होगी। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर थ्री में आपने कोफिशियंट कंपेयर करने हैं और सबसे पहले हम कोफिशियंट कंपेयर करेंगे ऑफ एक्स स्केयर। सो कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर इन इक्वेशन नंबर थ्री, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है जीरो इक्वल टू राइट साइड में इसका कोफिशियंट है ए प्लस सी, फिर जीरो इक्वल टू आ गया ए प्लस सी, या लिख लें जीरो इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू आई थी वन ओवर फोर, वो पुट कर दें। अब ये वन ओवर फोर को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस वन ओवर फोर इक्वल टू ए, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन ओवर फोर, ये ए बी और सी की जो वैल्यूज आ गई है तो इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेना है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर वन, फिर आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्केयर इन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर इन टू एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर टू इन टू एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस आएगा वन ओवर फोर इन टू एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है थ्री एक्स के प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर, और ये गौर से देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी वजह ये है कि इसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलीनोमियल्स हैं उनकी डिग्री इक्वल है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी तो उसमें आपने सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस करना होता है। अब थ्री एक्स के प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन, अगर एक्स प्लस टू का होल स्केयर खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। अब थ्री एक्स स्केयर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन को डिवाइड करना है एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर से, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे थ्री से, थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री फोर जार ट्वेल्व एक्स प्लस फोर थ्री जार ट्वेल्व, साइन चेंज करेंगे अब माइनस और ये भी माइनस, थर्ड टर्म भी माइनस, फिर थ्री एक्स स्केयर और माइनस थ्री एक्स स्केयर कैंसिल हो गए, फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स आ जाएगा थ्री एक्स और प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व आ जाएगा प्लस फोर। तो फिर ये जो गिवन फ्रैक्शन थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगी थ्री एक्स के प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन ओवर आ जाएगा एक्स के प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये इक्वल टू अब आ गया थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू होल्स के। ये इक्वेशन नंबर वन है जिसमें हमने थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू होल्स के की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। अब देखिये जो फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस होना है वो थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर का होना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू निकाल कर फिर हम इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू की पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लेट थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर आ जाएगा एक्स प्लस टू होल स्केयर, ये इसको क्वेश्चन नंबर कर देंगे हम, क्वेश्चन नंबर टू है ये।
और इसके बाद बोथ साइड को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, और इस केस में एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस टू होल स्केयर। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स प्लस टू होल स्केयर, देन थ्री एक्स प्लस फोर आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी, ये है इक्वेशन नंबर थ्री। और फिर इसको जब ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी, ये है इक्वेशन नंबर फोर। अब देखिए इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर x प्लस टू है एक पॉलिनोमियल, इसको आप इक्वल जीरो करें और जो x की वैल्यू आती है वो इस क्वेश्चन में पुट कर लें। तो पुटिंग x प्लस टू इक्वल जीरो और x इक्वल टू माइनस टू इन क्वेश्चन नंबर थ्री, तो थ्री इंटू माइनस टू प्लस फोर इक्वल टू आ गया a इंटू जीरो प्लस बी, माइनस सिक्स प्लस फोर आ जाएगा b, तो माइनस टू इक्वल टू बी, या इसको लिख लोगे आप b इक्वल टू माइनस टू, बी की वैल्यू मालूम होगी। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन नंबर थ्री में आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। देखिए लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट थ्री है और राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट है ए, तो कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन क्वेश्चन नंबर फोर, तो थ्री इक्वल टू फिर आ जाएगा ए, या लिख लें ए इक्वल टू थ्री, ए की वैल्यू फाइंड होगी। ये अब आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर टू में वैल्यूज ए और बी की, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर टू। फिर थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर इक्वल टू आ जाएगा थ्री ओवर एक्स प्लस टू माइनस आ जाएगा टू ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर। इसके बाद ये इतने हिस्से की जिस अपने पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया है इसको, ये वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लें। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर इन इक्वेशन नंबर वन, तो देन फिर ये बन जाएगा थ्री एक्स स्केयर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन ओवर एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू आ जाएगा थ्री, प्लस उसमें ये चीज थी थ्री एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस टू का स्केयर, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस फिर आ जाएगा थ्री ओवर एक्स प्लस टू माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू होल स्केयर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एट है, इसके बाद ये है वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो आप जानते हो कि एक्स स्केयर माइनस वन इक्वल होता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और इंटू ये एक्स प्लस वन, ये फिर मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन, ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होके इसका स्केयर हो गया। तो अब इसके बाद हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, तो इसके लिए लेट वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन होल स्केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन, ये है इक्वेशन नंबर वन। इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। उसके लिए सबसे पहले जो आप काम करते हो सारे क्वेश्चन में किया है वो इसको बोथ साइड को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स प्लस वन होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन, जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वन इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस, देखो बी के ओवर में है एक्स प्लस वन होल स्केयर, जब इसको एक्स प्लस वन होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वन होल स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर b इंटू आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू फिर आ जाएगा एक्स प्लस वन होल स्केयर, ये है इक्वेशन नंबर टू। इसके बाद ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और ये लास्ट में जो एक्स प्लस वन का होल स्केयर है इसको एक्सपेंड करना है, तो वन इक्वल टू देखिए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ये इक्वल होता है एक्स स्केयर माइनस वन और प्लस फिर बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर है, तो ये ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से इसको खोल देंगे,
ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, उसके अकॉर्डिंगली एक्स प्लस वन का होल स्केयर इक्वल टू आ जाएगा एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, ए बी और सी को जो ब्रैकेट्स के साथ मल्टीपल है उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो फिर ए एक्स के माइनस ए जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ब्रैकेट को और प्लस फिर आ जाएगा बी एक्स प्लस बी को वन से मल्टीप्लाई किया प्लस बी आ गया प्लस सी एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स स्केयर प्लस टू सी एक्स प्लस सी, और इसके बाद जब एक्स स्केयर कॉमन ले लें तो एक्स स्केयर वाली टर्म्स है ए एक्स स्केयर और प्लस सी एक्स स्केयर, यहां से एक्स स्केयर अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी प्लस एक्स वाली टर्म्स है बी एक्स और प्लस टू सी एक्स, यहां से एक्स कॉमन ले लें ब्रैकेट में आ जाएगा बी प्लस टू सी कॉमन एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म्स है माइनस ए प्लस सी। तो ये कॉमन लेने के बाद ये बन गई है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, पहले सिंगल डिग्री वाली पॉलीनोमियल है एक्स प्लस वन, इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, वो इस वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुटेंगे एक्स प्लस वन इक्वल जीरो एक्स इक्वल टू माइनस वन इन क्वेश्चन नंबर वन, देन वन फिर इक्वल टू आ जाएगा ए इन टू, ए इन टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू में था ए इन टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की वैल्यू हम जीरो कर चुके हैं ए इन टू जीरो आ गया, प्लस इन टू में है एक्स माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन ये आ जाएगा माइनस वन, प्लस इस तरह बी इन टू आ जाएगा माइनस वन माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर था तो उस एक्स प्लस वन होल स्केयर की बजाय अब आ जाएगा जीरो स्केयर, फिर वन इक्वल टू आ गया जीरो प्लस बी इंटू माइनस टू, जबकि इस टर्म सारी जीरो हो गई थी और लास्ट टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो वन इक्वल टू माइनस टू बी, या हम लिख लेंगे माइनस टू बी इक्वल टू वन, देन बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर टू। अब इस क्वेश्चन टू में दूसरी सिंगल डिग्री पॉलीनोमियल है एक्स माइनस वन, इसको हम जीरो करेंगे तो पुटेंगे एक्स माइनस वन इक्वल जीरो और एक्स इक्वल टू वन इन क्वेश्चन नंबर टू, देन वन इक्वल टू आ गया ए इंटू एक्स प्लस वन है एक्स की वैल्यू है वन, तो वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन की जगह पर आ जाएगी इसकी वैल्यू जीरो, प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन है एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो है, प्लस आ जाएगा सी इंटू वन प्लस वन होल स्केयर, फिर वन इक्वल टू आ गया जीरो प्लस सी इंटू आ जाएगा टू स्केयर और टू स्केयर होता है फोर, वन फिर इक्वल टू आ जाएगा फोर सी, या हम लिख सकते हैं फोर सी इक्वल टू वन, तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर फोर, ये है इक्वेशन वैल्यू ऑफ सी। और उसके बाद एक अननोन रह गया था, उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन थ्री से आपने कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। ये देखिए इक्वेशन थ्री, अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखें तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, वो हम लिख लेंगे जीरो एक्स स्क्वायर, तो फिर लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया जीरो, तो फिर जीरो इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी, अगर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो फिर जीरो इक्वल टू आएगा ए प्लस सी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वेश्चन थ्री, जीरो इक्वल टू ए प्लस सी, और इसमें सी की वैल्यू मालूम हो चुकी है वो पुट कर लें, तो वन इक्वल टू आ गया ए प्लस वन ओवर फोर, अगर वन ओवर फोर को दूसरी साइड पर लेके जाएं तो माइनस वन ओवर फोर इक्वल टू ए आएगा, या इस पर लिख लें ए इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर, ये आ गई ए की वैल्यू। अब ए बी और सी की वैल्यू मालूम हो गई है तो इसको क्वेश्चन नंबर थ्री में वन में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन ये थी वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन होल स्केयर था प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन, तो इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन क्वेश्चन वन,
फिर वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन। और इसी एक्सरसाइज की एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ये एग्जाम्पल है वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। तो लेट वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस टू। ये होगी इक्वेशन नंबर वन। और इसमें बाद में सिंप्लीफिकेशन के बाद ए बी और सी की जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पुट कर दी जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी के साथ मल्टीपल हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस सी के साथ मल्टीपल होगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ ये कैसे आया था। देखें ए ओवर एक्स माइनस वन है, जब a ओवर x माइनस वन को हम x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन की एक पावर कैंसिल होगी और साथ में आ गया x माइनस टू। और इसी तरह b के ओवर में है x माइनस वन होल स्क्वायर, जब इसको x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर b इंटू आ गया x माइनस टू और इसी तरह प्लस आ जाएगा सी इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर टू आ गई। इसके बाद ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन को जब एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू आ जाएगा माइनस टू एक्स। फिर माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स आ गया। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टू आ जाएगा टू। और इसी तरह लास्ट में एक्स माइनस वन होल स्केयर है वो स्केयर खोल के लिख दिया एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसके बाद फिर जो स्टेप होगा उसमें हम ए बी और सी जो ब्रैकेट्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन वन इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस, देखिये ये माइनस टू एक्स है माइनस एक्स है तो ये आ गया माइनस थ्री एक्स। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू आ जाएगा एक्स माइनस टू और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए आ गया प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस आ जाएगा थ्री सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी। और इसके बाद ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स सेपरेट कर लें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है ए एक्स स्क्वायर और ये है टर्म प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी प्लस एक्स वाली टर्म्स है माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू बी माइनस टू सी। ये आ गया और इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स तो इंटू आ गया माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस आ गया कॉन्स्टेंट टू ए माइनस टू बी प्लस सी। और इसको कर लेंगे आप इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसके बाद देखिए कि इक्वेशन टू में एक्स माइनस वन को पहले जीरो किया जाएगा और फिर एक्स माइनस टू को जीरो किया जाएगा, दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी जबकि थर्ड की जो वैल्यू है वो कोएफिशिएंट कंपेयर करने से आ जाएगी। पुटिंग एक्स माइनस वन इक्वल जीरो और एक्स इक्वल वन इन क्वेश्चन नंबर टू, एक्स की वैल्यू वन पुट करें और एक्स माइनस वन इक्वल जीरो पुट करें तो वन इक्वल आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन था एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो है और एक्स की वैल्यू वन है तो इंटू एक्स माइनस टू की बजाय आ जाएगा वन माइनस टू प्लस आ गया बी इंटू वन माइनस टू प्लस आ जाएगा सी इंटू जीरो स्क्वायर। फिर वन इक्वल टू देखिए ये टर्म जीरो हो जाएगी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लस बी इंटू वन माइनस टू आ जाएगा माइनस वन। वन इक्वल टू माइनस बी या लिख ले माइनस बी इक्वल टू वन और बी इक्वल टू आ जाएगी इसकी वैल्यू इक्वल टू माइनस वन।
अब आपने x माइनस टू को जीरो करना है, तो पुटिंग x माइनस टू इक्वल जीरो और x इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर टू। जब x की वैल्यू टू पुट करोगे तो वन फिर इक्वल टू आ जाएगा a इंटू टू माइनस वन इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो और प्लस c इंटू आ जाएगा फिर x माइनस वन होल स्क्वायर था, अब आ जाएगा टू माइनस वन होल स्क्वायर। सो वन इक्वल टू आ गया जीरो प्लस जीरो प्लस सी इंटू आ जाएगा वन, तो वन इक्वल सी जहां लिख लें सी इक्वल टू वन। अब सी की वैल्यू मालूम होगी है, ये सारी वैल्यूज आपने आप इक्वेशन नंबर हाँ एक वैल्यू सॉरी रह गई है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन थ्री के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर थ्री, तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट फिर जीरो कंसिडर होगा, जीरो इक्वल टू आएगा ए प्लस सी, जीरो इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू वन, जीरो इक्वल टू आ गया ए प्लस वन, तो माइनस वन इक्वल टू ए या ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब ये ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट की जाएगी। इक्वेशन नंबर वन ये थी वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस टू। इक्वेशन सारी यही है, सिर्फ इसमें ए बी और सी की वैल्यू लिख देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन, फिर वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, फिर माइनस आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू। इसके साथ ही एग्जाम्पल कम्प्लीट हो गई है और ये लेक्चर भी मुकम्मल हुआ। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।